मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा का अमेरिका के साथ बहीरा अहमर में हिफाजत के लिए बनने वाले इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला। इत्तेहाद का मकसद बहीरा अहमर में तजारती जहाजों की हिफाजत होगा। अमरीकी वजीर दिफा का कहना है कि हौसियों के हमले को रोकने और उनका जवाब देने में मदद मिल सके। कनाडा के शहर टोरंटो में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। टोरंटो और जीटीए के कुछ हिस्सों के लिए मौसम सरमा की सफरी एडवाइजरी जारी। टोरंटो के शुमार की कम्युनिटीज में 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। कैनेडियन वजीर खजाना जस्टिन ट्रूडो को दोबारा वजीर आजम बनाने के लिए पुरअज़म। क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि ट्रूडो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिलहाल तवज्जो कैनेडियन शहरियों पर मरकूज कर रहे हैं। चीन में शदीद जलजले से कई इमारतें जमीन बोज, 100 से ज्यादा अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जलजले के बाद मुतासरा इलाकों के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. अमेरिका, कनाडा, बहीरा अहमर में तिजारती जहाजों पर हमलों का मुकाबला करने के लिए मल्टीनेशनल ऑपरेशन में शामिल होंगे। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका, कनाडा, बहीरा अहमर में तिजारती जहाजों पर हमलों का मुकाबला करने के लिए मल्टीनेशनल ऑपरेशन में शामिल होंगे। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टन ने मंगल के अवाल में ऐलान किया कि अमरीका, कनाडा और कई दीगर ममालिक बहीरा अहमर से गुजरने वाले बहरी जहाजों की हिफाजत के लिए एक नई फोर्स तश्कील दे रहे हैं, जो यमन के हौसियों के जेर कंट्रोल इलाकों से दागे गए ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले की जद में आए हैं। बहरीन में हमलों की संगीनी, जिनमें से कई जहाजों को नुकसान पहुंचा है, ने मुतअद्दिद शिपिंग कंपनीज को हुक्म दिया है कि वो अपने बहरी जहाजों को अपनी जगह पर रुकने और आबनाए बाबुल मंदब में उस वक्त तक दाखिल ना होने दें जब तक के सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तवज्जो ना दी जाए। ऑस्टन ने बहरीन में आधी रात के बाद जारी करदा बयान में कहा, यह एक बैन अल-अक़वामी चैलेंज है जो इज्तिमाई कार्रवाई का मुतालबा करता है, इसलिए आज मैं ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन के क्याम का ऐलान कर रहा हूँ, जो कि एक अहम नई मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इकदाम है। लॉयड ऑस्टन ने ऐलान किया कि बरतानिया, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, नॉर्वे, सेशनल्स और स्पेन नए मिशन में अमरीका के साथ शामिल होंगे। कुछ ममालिक मुश्तरका गश्त करेंगे, जबकि दीगर जनूबी बहीरा अहमर और खलीज अदन में इंटेलिजेंस मदद फराहम करेंगे। एक सरकारी जराये ने कैनेडियन मीडिया को बताया कि कनाडा कोई जहाज तैनात नहीं करेगा, लेकिन बैन अल-अक़वामी टास्क फोर्स के लिए मुट्ठी भर अहलकार भेजेगा। इस मिशन को पहले से मौजूद कम्बाइंड टास्क फोर्स 153 के जरिए मरबूत किया जाएगा, जो अप्रैल 2022 में बहीरा अहमर, बाबुल मंदब और खलीज अदन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए कायम की गई थी। CTF 153 में 39 रुकन ममालिक हैं, लेकिन हुक्काम इस बात का तायुन करने के लिए काम कर रहे थे कि उनमें से कौन इस ताज़ा तरीन कोशिश में हिस्सा लेगा। 3 अमरीकी जंगी जहाज USS कार्नी, USS स्टीथियम और USS मैसन नेवी के तमाम तबाहकुन जहाज रोजाना बाबुल मंदब आबनाई से गुजर रहे हैं, ताकि हौसियों के हमले को रोकने और उनका जवाब देने में मदद मिल सके। एनवायरमेंट कनाडा ने टोरंटो और जीटीए के कुछ हिस्सों के लिए मौसम सरमा की सफरी एडवाइजरी जारी की है, जहां पर बर्फबारी और मिलावट वाली बारिश का इम्कान है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
एनवायरनमेंट कनाडा ने टोरंटो और जीटीए के कुछ हिस्सों के लिए मौसम सरमा की सफरी एडवाइजरी जारी की है, जहां पर बर्फबारी और मिलावट वाली बारिश का इम्कान है। एनवायरनमेंट कनाडा ने मंगल की सुबह तक वार्निंग जारी की है और कहा है कि भारी बर्फबारी रात भर मंगल की सुबह तक जारी रह सकती है। टोरंटो, मिल्टन, ब्रैम्पटन और मिसिसागा में 8 सेंटीमीटर से ऊपर तक बर्फ गिरने की पेशगोई की गई है। टोरंटो के शुमाल की कम्युनिटीज 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है। माहौलियात कनाडा ने बर्फबारी शुरू होते ही खतरनाक सफरी हालात से खबरदार किया है। एनवायरनमेंट कनाडा 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली शुमाल मगरबी हवाओं की वार्निंग दे रहा है, जिसके नतीजे में मुकामी तौर पर बर्फबारी हो सकती है। बदलते मौसम की वजह से ड्राइविंग खतरनाक हो सकती है, ये कुछ इलाकों में बर्फीली सड़कों से भी खबरदार करता है। कनाडा के मशरकी साहिल पर ताकतवर झोंके 100 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार तक पहुंचने की तवक्को है, क्योंकि दो बड़े दबाव के निजाम बहरे ओकियानूस पर मिलते हैं। कनाडा के नायब वजीर आजम और वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि वो अगले वफाकी इंतखाबात में दोबारा हिस्सा लेने का इरादा रखती हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पहली बार मुंतखब होने के एक दहाई बाद कनाडा की नायब वजीर आजम और वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि वो अगले वफाकी इंतखाबात में दोबारा हिस्से लेने का इरादा रखती हैं। इस सवाल को पसे पोश डालते हुए कि आया वो वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की पोजीशन पर नजरें जमाए हुए हैं, एक इंटरव्यू में फ्रीलैंड से पोल्स में लिबरल्स के मौजूदा मौकफ और कुछ वोटरों के इस जज्बात के बारे में पूछा गया कि ट्रूडो को एक तरफ हट जाना चाहिए और क्या वक्त आने पर वो लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा की कयादत करना चाहेंगी। इसके जवाब में क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि वो सबसे पहले कैनेडियनों की हिमायत पर तवज्जो मरकूज कर रही हैं। कैनेडियन वजीर खजाना का कहना था कि लोगों को हमारे तआवुन की जरूरत है, कैनेडियन नहीं चाहते कि हम खुद पर तवज्जो मरकूज करें, वो चाहते हैं कि हम उन पर मरकूज रहें, और मैं अपने वजीर आजम की भी मुकम्मल हिमायत कर रही हूँ जो हमारी टीम की कयादत कर रहे हैं, जो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चीन में शदीद जलजले ने तबाही मचा दी, मुतादिद रिहायशी इमारतें ज़मीन बोस होने से 100 से ज़ायद अफराद हलाक, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए और दर्जनों अफराद लापता हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीन में शदीद जलजले ने तबाही मचा दी, मुतादिद रिहायशी इमारतें ज़मीन बोस होने से 100 से ज़ायद अफराद हलाक, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए और दर्जनों लापता हैं। मुतादिद शहरी जलजले के बाद गिरने वाली इमारतों के नीचे दब गए, जिसकी वजह से हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जलजले के बाद मुतासरा इलाकों के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, रात की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जलजले के झटके चीन के शुमाल मगरबी शहर गांगसू में महसूस हुए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 35 किलोमीटर जबकि मरकज सूबे लांजो के दारुल हुकूमत से 102 किलोमीटर दूर जुनूब मगरब था। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।